जब से राम मंदिर में रामलला विराजमान हुए हैं, तब से क्या आम और क्या खास, हर कोई अपने आराध्य प्रभु राम की सेवा करने के लिए कुछ न कुछ सहयोग देना चाह रहा है। ऐसे में राम मंदिर ट्रस्ट की ओर से रामलला के मनोरंजन के लिए 45 दिन का श्री राम राग सेवा का आयोजन किया गया है। इस आयोजन की शुरुआत 26 जनवरी से शुरू हो गई थी और इसमें देश के कोने कोने से प्रसिद्ध कलाकार आकर रामलला को अपनी उत्कृष्ट कला से रिझा रहे हैं। लेकिन आज हम आपको अपनी इस वीडियो में ऐसे कलाकार की बात बताने वाले हैं जिसने अपनी जवानी के समय में अपनी कला से करोड़ों लोगों के दिलों पर राज तो किया ही, लेकिन उनके अंदर भगवान राम के लिए इतनी श्रद्धा और प्रेम भी था, इस बात का किसी को सपने में भी अंदाजा नहीं था। भगवान राम के प्रति ऐसा लगाव कि 90 वर्ष की उम्र में रामलला को रिझाने के लिए राम मंदिर पहुंच गई और अपनी अनुपम कला का ऐसा दृश्य दिखाया कि वहां खड़ा हर व्यक्ति उनको साष्टांग दंडवत करने लगा। 90 वर्ष के एक व्यक्ति से किसी काम को करने की आप क्या ही आशा कर सकते हैं। अगर वो ठीक से चल ही पाए और दैनिक क्रियाओं से जुड़े काम खुद कर ले तो हम इतना करना ही बहुत समझते हैं, लेकिन क्या हो कि 90 साल का कोई व्यक्ति ऐसा मनमोहक नृत्य करे कि सभी की आंखों से आंसू आ जाएं, तो ऐसा होना किसी चमत्कार से कम नहीं कहा जा सकता। दरअसल ये बात है 60 के दशक की मशहूर एक्ट्रेस रही वैजयंती माला की, जो 90 साल की हो चुकी हैं। जब राम मंदिर राग सेवा के बारे में उनको पता चला तो उन्होंने स्वेच्छा से इसमें राम जी के लिए अपनी प्रस्तुति देने का आग्रह किया, जिसे मंदिर ट्रस्ट ने उनका रामलला की प्रति प्रेम देखकर स्वीकार कर लिया। और राम मंदिर में आकर उन्होंने पारंपरिक साड़ी पहनकर जो भरतनाट्यम नृत्य किया तो उनकी एनर्जी और मनमोहक डांस देखकर वहां मौजूद हर कोई दंग रह गया। उनके हाव भाव ने सभी का दिल जीत लिया। साथ ही रामलला की उनकी भक्ति को देखकर वहां खड़े कुछ लोगों ने उनको साष्टांग दंडवत तक किया। वैजयंती माला के इस डांस का वीडियो जैसे ही आया तो देखते ही देखते ये वीडियो लोगों के बीच वायरल होने लगा और इसके बाद से एक बार फिर से मीडिया की लाइमलाइट वैजयंती माला ने अपनी ओर खींच ली और मीडिया के लोग उनकी तारीफ करने से खुद को रोक नहीं पाए। इस वीडियो को मशहूर लोक गायिका मालिनी अवस्थी ने अपने फ़ोन से बनाया और अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर शेयर भी किया। वीडियो शेयर करते हुए मालिनी अवस्थी ने लिखा कि हमारे यहाँ कला भक्ति का सर्वोच्च पद माना गया है। वैजयंती माला जी को देखकर यह बात बार बार सच साबित होती दिखती है। आज भी जो प्रसिद्ध और ग्लैमर नए कलाकारों के लिए सपना है, उसके सर्वोच्च शिखर को 60 वर्ष पीछे छोड़ वैजयंती माला जी चेन्नई में कला साधना में जीवन यापन कर रही हैं। रामलला की राग सेवा में अयोध्या पधारी वैजयंती माला जी को 90 वर्ष की आयु में नृत्य करते देख यही लगा, यही है भारतीय कला का आध्यात्मिक आनंद, मोक्ष की साधना। इस साधना की जय हो, इस आनंद की जय हो। इसके साथ ही मालिनी अवस्थी ने वैजयंती माला के साथ कुछ तस्वीरें भी ली जिसे उन्होंने शेयर किया। बताते चले कि इससे पहले भी हेमा मालिनी ने भी राग सेवा में हिस्सा लिया था और शानदार डांस किया था।